दोस्तों, इससे अगर आप महज एक छोटा सा कीड़ा समझते हैं तो ये कीड़ा आपको आपकी बड़ी भूल की सजा दे सकता है। इसके काटने से टाइफस, एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये कीड़ा इतना खतरनाक है कि इसके इन्फेक्शन से शुरुआत तेज बुखार होती है, ठंड, बेहोशी, छाना, शरीर तेज, सिरदर्द, उल्टी आदि डेंगू चिकनगुनिया जैसे लक्षण होना लगता है। लेकिन स्क्रब टाइफस में बिना खुजली वाले गोल चकत्ते शरीर पर दिखाई देते हैं। ये पिस्सुओं के काटने से होता है। ऐसे लक्षण डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया में नहीं दिखाई देते, इन्हें देखकर भी पहचान हो सकती है। इसमें प्लेटलेट्स के साथ ब्लड काउंट भी तेजी से घटता है। स्क्रब टाइफस में ये जाँच है जरूरी। या स्क्रब टाइफस होने पर कुछ जाँचें डॉक्टर करवाते हैं। इसमें प्लेटलेट्स काउंट, CBC, लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन टेस्ट करवाई जाती है। बीमारी की गंभीरता के आधार पर अन्य जांचें जैसे एलाइजा व इम्यूनिटी से जुड़े टेस्ट भी करवाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से 7 से 10 दिन तक एंटीबायोटिक्स दी जाती है। इलाज में देरी से दूसरे अंगों पर असर, ये भी बात बिल्कुल सही है। इलाज समय पर ना हो तो इसका असर ब्रेन, हार्ट, किडनी और फेफड़ों पर भी पड़ता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर का खतरा बना रहता है। सांस लेने में तकलीफ के साथ निमोनिया हो जाता है। मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। इसमें देरी होने पर मरीज की जान जाने की आशंका रहती है। कैसे करें बचाव? ये बीमारी शहरों में कम देखने को मिलती है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ पर भी देखने को मिलती है। ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने वाली बीमारी है, क्योंकि इसके कीट खेतों, जंगलों और झाड़ियों में रहते हैं। तो आप पहले से ही सावधान रहें, तभी आपका बचाव संभव है। क्यूरियन हेल्थ एक्स की रिपोर्ट।